नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और ये वीडियो फिर से मैं एजोस्पर्मिया के रिगार्डिंग लेकर आया हूँ। क्योंकि एजोस्पर्मिया बेसिकली देखा जाए तो, अगर मैं बोलूँ कि हम डॉक्टर हैं और डॉक्टर होने के बाद हम जो दवाई देते हैं उससे सारे पेशेंट ठीक हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। सबसे पहली चीज़ समझो, एजोस्पर्मिया के अंदर भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें डिपेंड करती हैं। बट जो हमारे पास अभी जो पेशेंट की रिपोर्ट आई है वो है बेसिकली जम्मू के रहने वाले थे, उन्होंने अपनी यूएसजी की रिपोर्ट भी करवाई थी और अपने एजोस्पर्मिया के रिगार्डिंग उन्होंने तब थोड़े बहुत टेस्ट करवा रखे थे। उनमें से एक यूएसजी की रिपोर्ट थी और उनके साथ एक सीमेन एनालिसिस का टेस्ट था जिसमें उनका स्पर्म काउंट बिल्कुल निल आया हुआ था, जिसे हम एजोस्पर्मिया भी कह देते हैं, जीरो। तो वहाँ पर हमने कुछ स्टडी किया, हमने कुछ समझा, कुछ जाना और उसको थोड़ा बहुत हमने अपनी डायग्नोस को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके, मतलब हम जैसे प्रिस्क्रिप्शन बनाते थे रेगुलर ऐसा, तो उसमें थोड़े हमने ऑल्ट्रेशन चेंजेस करे। जब हमने चेंजेस करे तो उसका फ़ायदा उनको एज इन स्पर्म काउंट को बढ़ने में हो गया। आई मीन उससे जब वो नील स्पर्म काउंट था, बट आज के डेट में 0.2 मिलियन आ रहे हैं, जो एजोस्पर्मा के लिए बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि 0.2 मिलियन स्पर्म काउंट आए हैं, फर्दर अगर देखा जाए तो थोड़े टाइम बाद वो बढ़ जाएंगे और बढ़ेंगे, क्योंकि अभी 1 महीने के ट्रीटमेंट में उनके 0.2 मिलियन स्पर्म काउंट आ चुके हैं। अब उस केस के बारे में बताता हूँ जो केस हमारे सामने आया हुआ था एजोस्पर्मिया के रिगार्डिंग। एजोस्पर्मिया में उनमें क्या दिक्कत थी कि उनका एक रिपोर्ट है जिसमें मैं आपको मेंशन भी करूँगा, उसमें ये लिखा हुआ है नो विजुअलाइजेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल्स। अब वो क्या चीज़ होती है पहले उसको थोड़ा समझ लेते हैं, सेमिनल वेसिकल्स होती क्या चीज़ है। सेमिनल वेसिकल्स एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आपकी एक ट्यूब जो स्पर्म को लेकर जाती है और वो सेमिनल डिस्चार्ज के साथ बाउंड होते हैं और उसके बाद वो बाहर इजैकुलेट की तरफ जाती है। वो बीच का एक पार्ट होता है, वो एक ऐसा पार्ट जहाँ पर आपकी वासा डिफेंसा की ट्यूब आगे जुड़ी हुई होती है, जहाँ पर आपके स्पर्म आपकी सेमिनल डिस्चार्ज के साथ मिक्स होते हैं, वहाँ की सीक्रेशन के साथ मिक्स होते हैं, उसके बाद वो बाहर निकलता है। सेमिनल वेसिकल्स एक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि वो आपकी मोटिलिटी बढ़ाते हैं और आपकी जो स्पीड है, मॉर्फोलॉजी है, उसको सुधारते हैं, क्योंकि वो एक सेमिनल लिक्विड फॉर्म बनाते हैं, तभी हम सेमिनल डिस्चार्ज बोलते हैं। सेमिनल डिस्चार्ज कहाँ से निकलता है? सेमिनल वेसिकल से। तो सेमिनल वेसिकल उनकी दिख ही नहीं रही थी और एक रिपोर्ट में उसमें मेंशन भी किया हुआ है कि उसको एजेनेसिस था, मतलब वो वाला पार्ट जो है उनका दिख ही नहीं रहा था। तो उनकी मेंशन हो सकता है क्योंकि ये चीज़, क्योंकि कोई भी अंदर झांककर नहीं देख सकता, इसलिए हमेशा रिपोर्ट जो होती है वो एक आइडिया पे लगती है, एक आइडियल लगती है कि मान के चलो हमने एक आइडिया लगाया कि एक उनका स्कैन किया गया, स्कैन में आइडिया लगाया तो वो चीज़ मिली, तो ज़रूरी नहीं था। बट वहाँ पर उन्होंने एक एजेनेसिस लिख दिया गया था जहाँ पर हम ये सोचे थे कि शायद इन मेडिसिन से काम ना बने, इसलिए थोड़ा बहुत हमने मॉडिफाइड किया, हमने थोड़ा घूम के वहाँ पर गए, डायग्नोस को पकड़ा, हमने फिर भी एक चांस लिया कि हाँ शायद मे भी हम ये चीज़ दें तो शायद ये बेनिफिट देते। तो वहाँ पर हमने सेमिनल डिस्चार्ज जो हो निकालती है एक तरीके से, जो सेमिनल वेसिकल्स है वो हमें नहीं मिल रही थी, फिर भी हमने एक बारी ट्राई करने के लिए उनको दिया और चांस की बात है उनके स्पर्म काउंट 0 से 0.2 मिलियन स्पर्म काउंट हो चुके हैं और आज के डेट में वो एजोस्पर्मिया के पेशेंट से ओलिगोस्पर्मिया के कैटेगरी में आ गए हैं, क्योंकि उनकी मोटिलिटी भी सुधरी और साथ साथ, क्योंकि मोर्टिलिटी 5% भी आना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि किसी किसी केसेस में स्पर्म काउंट तो 130 मिलियन भी हो जाते हैं बट मोर्टिलिटी निल रहती है, तो वोले केसेस भी हमने देखे हैं। तो हम उस चीज़ को थोड़ा बहुत और जान सकें इस वजह से हमने उनको एक टेस्ट की तरह देखा, हमने उनको एक तरीके से टेस्ट किया कि मेडिकेशन काम करेंगी या नहीं करेंगी। हमने उनको ये सोच के दी कि क्या पता डायलेटेड हो, दिख नहीं रही हो, तो हम मे भी शायद उस पर एक ट्राई कर सकते हैं। तो वो ट्राई हमारे लिए और पेशेंट के लिए, दोनों के लिए फेवरेबल हो गया। तो ये पेशेंट की मैं पूरी हिस्ट्री बता रहा था कि ऐसे ऐसे दिक्कत थी। और जो आप एजोस्पर्मिया से लड़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या पता ये चीज़ ठीक नहीं हो सकती, तो शायद एक बारी आप अपनी होप बदल सकते हैं या होप ले सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या पता एक ट्राई तो बनता ही है। जहाँ आप 4 जगह गए हैं, 5 जगह गए हैं, बट फिर भी एक ट्राई बनता ही है, एक ट्राई आयुर्वेद को भी दे दो तो क्या पता आप शायद उसमें सफल कर जाओ। क्योंकि एजोस्पर्मिया मैं खुद कहता हूँ कि हमारे हाथ में बस हम मेडिसिन देने वाले जरिया हैं, हम ठीक
एज सच मेडिसिन से देते हैं, अगर ठीक करता है एजोस्पर्मिया को, तो मोस्टली मैं उनमें खुदा को ही बोलूँगा, भगवान को ही बोलूँगा, क्योंकि उसका हाथ आपके सर पर है तो वो आपको ठीक कर सकता है। और अगर आपको लगता है कि हाँ एजोस्पर्मिया में मैं कुछ सोच रहा था और शायद ये चीज़ ऐसी पॉसिबल हो सकती है, या आपके पास कोई ऐसे रिपोर्ट्स है जो बता रही हूँ एजोस्पर्मिया हुआ, क्योंकि मैच्योरेशन अरेस्ट अगर जहाँ पर लिखा आ जाता है, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, मैच्योरेशन अरेस्ट जहाँ लिखा आ जाता है, जिन्होंने टेसा करवा रखा है, जिन्होंने बायोप्सी करवा रखी है, या जिन्होंने FNAC का टेस्ट करवा रखा है, वहाँ पर अगर हम देखते हैं मैच्योरेशन अरेस्ट, तो वहाँ पर ट्रिगर करना बहुत टफ पार्ट बन जाता है हमारे लिए भी, क्योंकि आपके सेल्स का डिवीज़न हम नहीं कर सकते, हम बस ट्रिगर कर सकते हैं, उस चीज़ को एनहेंस कर सकते हैं, बट हम उस चीज़ को चालू नहीं कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि वहाँ पर हम काम करें, बट हम उसमें हर जगह सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो अगर आप एजोस्पर्मिया के पेशेंट हो, तो अपनी रिपोर्ट्स जितनी भी करवा रखी है, आपने टेसा करवा रखा है, FNAC करवा रखी है, या बायोप्सी करवा रखी है, या USG करवा रखी है, या उसके साथ साथ आपने अपना हॉर्मोनल एस्से करवा रखा है, या फिर आपकी जो अलग अलग दिक्कत है, या नील स्पर्म काउंट आ रही है, तो आप प्लीज़ अपनी रिपोर्ट्स हमें शेयर कर सकते हैं नीचे वाले नंबर पे व्हाट्सएप पे, और हमसे बात कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं, और एक उसका राइट सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू।